डिजोवॉच टू स्पोर्ट्स पे 175 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा और साथ में 50 रुपीज़ का कैशबैक आपको थ्रू दैट एप्लीकेशन जो मैंने लिंक दे रखी है उससे मिल जाएगा। गाइज आई नो बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में बोल रहे थे कि टैग की वर्ब सेंस वर्सेस डिजो की वॉच टू स्पोर्ट्स का एक कंपैरिजन चाहिए, तो आज मैं आपके सामने लेके आ चुका हूँ। और गाइज चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में आप हमारे टेकबॉक्स चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम अमेजिंग डील डालते रहते हैं, लो प्राइसिंग आपको बेस्ट प्रोडक्ट भी मिलती रहती है। और गाइज साथ में आप शॉपसी एप्लीकेशन से शॉप करना बिल्कुल भूलिएगा, आपकी ही परचेज पे कैशबैक मिलता है आपको। बहुत सारे लोग कैशबैक को ऑलरेडी गेन कर चुके हैं तो आप भी करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है जहाँ से आप 50 रुपीज़ का कैशबैक पा सकते हो, साथ में उसको आप जब भी कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। तो फ्लिपकार्ट की इंडोर्स्ड एप्लीकेशन है, टोटली सेफ है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो और कैशबैक को गेन कर सकते हो आफ्टर रिटर्न पीरियड। जैसे आपके कोई प्रोडक्ट आपने मंगाया स्मार्ट वॉच, नेक बैंड या ईयरबड्स, उसका जैसे रिटर्न पीरियड खत्म होता है तो उसके बाद आप उसको जो मनी आपने वहाँ से अर्न किए उसको आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो वीडियो में मैंने शेयर कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर हम टैग वर्ब की बात करें सेंस जो कि, या फिर टैग वर्ब प्लस की बात मैं करूँ, टैग वर्ब नियो की बात करूँ या टैग की वर्ब एक्टिव की बात करूँ, तो आपको चीज़ें सारे में सेम मिलती है। नियो में आपका टेम्परेचर मॉनिटर नहीं मिलता है, दैट्स इट। बट यहाँ पे टैग की वर्ब जो सेंस है इसमें आपको टेम्परेचर मॉनिटर भी मिलता है। और डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स में आपको एक हिडन फीचर था जो कि अभी रिवील कर चुकी है कंपनी, जो कि है टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन, तो वो भी आज मैं इसमें बताने वाला हूँ। और इवन दो यहाँ पे एंड में हम कंक्लूजन भी लेने वाले हैं कि कौन सी वॉच बेटर है, किसकी बिल्ड क्वालिटी बेटर और किस में फीचर्स ज़्यादा हैं और आपको कौन सी प्रेफर करनी चाहिए, तो एंड तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। और स्टार्ट करते हैं वैसे भी इस वीडियो को। हम कहीं ना कहीं जब वॉच को सेलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहला जो टारगेट होता है वो डिस्प्ले देखते हैं हम, तो यहाँ पे भी आज हम डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले बात करें तो सेंस में आपको 1.7 इंचेस की HD डिस्प्ले मिलती है, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन मिलता है। स्पोर्ट्स में आपको डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स में 1.69 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 240x280 पिक्सल्स का रिजोल्यूशन यहाँ भी मिल जाता है। रेस टू वेक दोनों में मिल जाता है बट ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है। 7 से 8 से 10 सेकंड तक आप इसमें स्क्रीन को वेक रख सकते हो बट यहाँ पे ऑलवेज ऑन का फीचर नहीं मिलता है क्योंकि यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले नहीं दी गई है। 2.5D कर्व ग्लास तो मिल जाता है, लुक एंड फील प्रीमियम है दोनों ही वॉचेस का। और यहाँ पे 326 पिक्सल पर इंच की आपको शार्पनेस मिल जाती है, तो शार्पनेस लेवल्स दोनों में बहुत अच्छे दे रखे हैं। और 600 निट्स की ब्राइटनेस आपको स्पोर्ट्स में मिलती है, स्लाइटली बेटर है सेंस से, सेंस में 500 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। तो इवन दो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में स्लाइटली बेटर मैं कहना चाहूँगा डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स को एज कम्पेयर टू सेंस। आगे बात आती है यहाँ पे वॉच फेस, क्लाउड बेस्ड वॉच फेस आप लगा सकते हो, गैलरी में से कोई भी इमेज का ऐसा वॉच फेस आप लगा पाओगे, ये बेसिक फीचर दिया गया है दोनों ही वॉचेस में। और फिटनेस मोड्स की बात में करो तो यहाँ पे सेंस बहुत पीछे रह जाती है, डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स बहुत ही आगे है, 110 स्पोर्ट्स में मिलते हैं जो कि फिटनेस फ्रीक है, जो मतलब फिटनेस एक्टिविटीज़ में ज़्यादा प्रेफर करता है तो वो उसके जा सकता है, उसके लिए डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स के लिए जा सकता है, तो 110 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं। सेंस में ऑन द अदर हैंड सिर्फ 24 ही मिलते हैं आपको, और 5 ATM की वाटर प्रूफ रेटिंग मिल जाती है आपको डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स में, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक एडवांटेज है डिजो के पास। और टैग की वर्ब सेंस में ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, IP68 की रेटिंग ही मिलती है यहाँ पे, 1.5 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक। डीप स्विमिंग के लिए आपकी बनी हुई है स्पोर्ट्स जिसको आप लेके जा सकते हो पानी में, और डीप अंडर वाटर 50 मिनट्स तक, और इवन आप इसको पहन के शावर भी ले सकते हो, पूल स्विमिंग का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स यहाँ पे बहुत आगे है जो सेंस की है टैग की वर्ब। आगे बात आती है यहाँ पे एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सिमिलरली देखने को मिलने वाली है, डेडिकेटेड सेंसर आपको दोनों में ही देखने को मिल जाते हैं, SPO2 HR का ग्रीन एक्शन का, SPO2 का रेड एक्शन का। उसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें टेम्परेचर मॉनिटर का भी, डेडिकेटेड सेंसर दोनों में ही देखने को मिल जाता है आपको। और यहाँ पे एक्सेलेरोमीटर, ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, जायस्कोप सेंसर, ये बेसिक सेंसर भी अवेलेबल है दोनों ही वॉचेस में। बट यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े एक्स्ट्रा फीचर्स की बात में करो तो स्मार्ट नोटिफिकेशन आप रिसीव कर सकते हो, रिप्लाई बैक ऑप्शन आपको ऑल दो दोनों में से किसी भी वॉच में नहीं मिलता बट डिजो वॉच टू स्पोर्ट्स में इन द फ्यूचर होप है कि मतलब पॉसिबिलिटी है कि आ सकते हैं, क्योंकि मैंने प्रीव्यू इसका बनाया था तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा था मतलब रिप्लाई टू द नोटिफिकेशन ऐसे करके ऑप्शन था, तो मे बी वो फ्यूचर अपडेट्स में ऐड कर दे कंपनी, बट iOS में तो अवेलेबल नहीं करेगी कंपनी इतनी जल्दी। यहाँ पे बात करें कॉल को कट म्यूट कर सकते हो, वाइब्रेशन इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो, वाइब्रेशन के थ्रू आपको अलर्ट्स मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ फुल टच पैनल है, स्मूथ है, स्टटर लैग बहुत ही कम देखने को मिलेगा। अलार्म क्लॉक, स्टॉप वॉच, काउंटर टाइमर, वेदर नोटिफिकेशन, ये बेसिक चीज़ें दोनों में ही देखने को मिल जाती हैं। एंड ब्लूटूथ वर्जन की बात में करें तो 5.0 देखने को मिलता है दोनों ही वॉचेस में, जो कि ठीक है, मतलब फाइंड माई फोन, कैमरा, शटर, म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन, बेसिक चीज़ें आपको दी गई हैं दोनों ही वॉचेस में। अब बात करें एंड्रॉइड या iOS से, आप दोनों से ही वॉचेस से पेयर कर सकते हो, मतलब दोनों ही प्लेटफॉर्म से आप पेयर कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को। टैग प्लस एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी सेंस के लिए, और डिजो के लिए डिजो एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर मिल जाएगी।
अब बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की, तो यहाँ पे हार्डवेयर वाइज दोनों ही सिमिलर परफॉर्म करती हैं। 64 MB इंटरनल मेमोरी मिलती है, 32 MB ऑफ रैम मिलता है और कस्टम यूआई यूज़ किया गया है दोनों में ही अपना अपना कंपनी ने। सिंगल बटन कंट्रोल मिलता है और गेस्चर्स का भी आप यूज़ कर सकते हो अप डाउन लेफ्ट राइट सारे के सारे फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। अब बात आती है यहाँ पे बैटरी बैकअप की, तो यहाँ पे बैटरी कैपेसिटी जो है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सेंस में 210 हो सकती है। डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में तो 260 mAh है टू बी एग्जैक्ट। 30 डेज़ का स्टैंड बाई टाइम दोनों ही वॉचेज लेती हैं, 2 घंटे फुल चार्जर में ले लेती हैं। 8 डेज़ का स्टैंड बाई टाइम मतलब रन टाइम क्लेम किया गया ऑन द पेपर टैग की वर्ब सेंस में, और डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में 10 दिन का रन टाइम क्लेम किया गया। बट अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पे मैग्नेटिकली चार्ज कर सकते हो दोनों ही वॉचेस को, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि 15 से 18 या 20 वॉट के चार्जर से चार्ज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। लॉन्ग टर्म में बैटरी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे एक्चुअल यूज़ की बात करें तो सारे के सारे नोटिफिकेशन कट डाउन कर दोगे, आपको 6 दिन का इजीली बैटरी बैकअप मिल जाएगा। बट अगर आपने सारे के सारे नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे तो 4 से 5 दिन का इजीली बैटरी बैकअप मिल सकता है, क्योंकि डिजो वॉच 2 मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग डीप डाउन रिव्यू कर रखा है, एक्यूरेसी टेस्ट भी किया था। अगर आपको देखना है तो मैं दे दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हो। और वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ फ्लॉज थे जो यहाँ पे करेक्ट किए गए डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में, बट यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी में इंप्रूवमेंट नहीं है। बिल्ड क्वालिटी डिजो वॉच 2 की ज़्यादा बेटर थी, बट डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स में थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी को पीछे कर दिया है। आगे बात करेंगे बिल्ड क्वालिटी की, उससे पहले हम मेन फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो टैग की वर्ब सेंस में HR मॉनिटर, स्पोर्ट्स में भी HR मॉनिटर मिल जाता है और SPO2 लेवल मॉनिटर भी दोनों में मिल जाता है। टेम्परेचर मॉनिटर का ऑप्शन भी दोनों में देखने को मिलता है। अब कितना एक्यूरेट है वो तो मैं कह नहीं सकता, बट यहाँ पे 75% तक की एक्यूरेसी टेम्परेचर मॉनिटर की मिल जाती है और अदर सेंसर्स की आपको 80% से ऊपर की एक्यूरेसी मिल जाएगी। स्लीप ट्रैकिंग आप कर सकते हो दोनों में ही, कैलरी बर्न स्टेप ट्रैकिंग का ऑप्शन भी है और गैस ब्रीथ रिलैक्स का मोड भी है। फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है और सेडेंटरी रिमाइंडर भी दोनों में ही देखने को मिल जाता है। अब बात आती है यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी में कहीं ना कहीं दोनों ही अच्छा काम किया गया, बट ज़्यादा मैटर कहूँगा यहाँ पे दोनों ही मतलब पॉलीकार्बोनेट बिल्ड के साथ आते हैं और वॉच का जो वेट है वो भी अच्छा खासा कम है। 20 mm का स्ट्रैप साइज है तो आफ्टर मार्केट का भी आप चूज ऑन कर पाओगे यहाँ पे। और स्ट्रैप क्वालिटी मैं कहना चाहूँगा सेंस की थोड़ी सी पीछे एज़ कम्पेयर टू स्पोर्ट्स में, आपको सिलिकन स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है और सेंस में TPU स्ट्रैप की क्वालिटी मिलती है। मेन बिल्ड क्वालिटी दोनों की ही सेम ही है, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी में कहना चाहूँगा दोनों में ही ठीक काम किया गया। बट प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो प्राइसिंग भी मैटर करती है। अगर आप कोई वॉच बाय करना चाहते हो तो सेंस आपकी जो प्राइसिंग पे अवेलेबल है वो अवेलेबल है 1999 मतलब 2000 रुपीज़ के अंडर, और एग्जैक्टली डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स भी 2000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट में अवेलेबल है। बट डिजो वॉच 2 अगर आप 2000 रुपये से कम में बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट कर लीजिएगा। कैसे कर सकते हो, आपको करीब करीब 275 रुपीज़ से ऊपर तक का कैशबैक मिल सकता है। शॉपसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो थ्रू द लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, 50 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा आपको और सेल डे पे आप डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स को भी ऐड कर लो कार्ट में और उसको बुक कर दो। डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स पे 175 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा और साथ में 50 रुपीज़ का कैशबैक आपको थ्रू दैट एप्लीकेशन जो मैंने लिंक दे रखी है उससे मिल जाएगा। तो ओवरऑल आपको 225 रुपीज़ का कैशबैक मिल गया, तो ये वॉच आपको 1780 रुपये में पड़ जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे 1780 रुपये में क्या आपको लगता है कि बेटर है, डेफिनेटली यहाँ पे 1760 मैंने डिजो वॉच 2 को बाय किया था उस टाइम जो ऑफर बहुत तगड़ा चल रहा था, और यहाँ भी आपको करीब करीब 1780 रुपये में बाय करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो आप जरूर चेकआउट करिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक, और उसी लिंक से आप और भी अदर प्रोडक्ट को भी बुक कर सकते हो, या आप डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स को बाय करना चाहते हो तो सेल डे पे आप उसको भी बाय कर सकते हो। अब गाइस यहाँ पे कंक्लूजन की बात आती है, तो ओवरऑल यहाँ पे दोनों ही वॉचेस में फीचर्स फंक्शन सारे सेम मिलते हैं, बट जिसको स्पोर्ट्स मोड ज़्यादा चाहिए तो वो डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स के लिए जा सकता है। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, 110 स्पोर्ट्स मोड दिए गए देखने के लिए, तो गाइस ये बहुत ही आगे है। और सेंस थोड़ी सी पीछे रह जाती है, यहाँ पे आपको सिर्फ 24 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं, तो यहाँ पे सेंस थोड़ी पीछे यहाँ पे मैं कहूँगा रह जाती है और डिजो वॉच 2 स्पोर्ट्स यहाँ पे आगे निकल आती है यहाँ पे सेंस पे। तो यही था, और तो सारी चीज़ें सेम ही है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर मॉनिटर दोनों मिल जाता है, SPO2 HR मॉनिटर ऑप्शन दोनों मिल जाता है, एक्यूरेसी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। तो मेरे ख्याल से मैंने सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। इसके अलावा आपका क्वेरी रह जाता है तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।